सो हे गाइस, बैटरी अच्छी है या ख़राब है कैसे चेक करेंगे? कुछ दो तीन बातें आपको पता रहना ज़रूरी है। सबसे पहले बैटरी देखेंगे और हमारे पास में यहाँ पे चार्जर, एक अच्छा चार्जर आपके पास होना चाहिए। बैटरी आपके पास में है और आपको लगेगा एक हाइड्रोमीटर, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक अच्छा हाइड्रोमीटर आपके पास होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, दोनों बैटरी का वोल्टेज कितना है। इसका वोल्टेज बराबर है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12.84 इसका वोल्टेज है। इस बैटरी का वोल्टेज डाउन है 8.60, तो आपको जो बैटरी डाउन है उसको चार्जिंग करना होगा। चार्जिंग करने से ही कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास में अच्छा चार्जर है तो सिर्फ चार्जिंग करने से ही कुछ नहीं होगा। चार्जिंग करके बैटरी की ग्रेविटी भी आपको आना चाहिए, और ग्रेविटी आने के लिए एक अच्छा चार्जिंग आपको चार्जिंग करना पड़ेगा काफ़ी समय तक, और ग्रेविटी आपको चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक बैटरी हमारे पास चार्ज है, एक डिस्चार्ज है, तो मैं आपको ग्रेविटी चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस बैटरी की ग्रेविटी हम चेक करेंगे। तो इस हाइड्रोमीटर से आपको ग्रेविटी चेक करना है सभी सेल की, और ग्रेविटी होनी चाहिए 1200 के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1200 के ऊपर में ग्रेविटी है, अदरवाइज ये डाउन रहेंगे 20-40। सभी सेल की आपको चेक करना है ग्रेविटी। बैटरी चार्ज होने के बाद भी आपको ग्रेविटी कम दिखा सकती है, इसलिए आपको ग्रेविटी हमेशा 1200 के ऊपर में चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब भी बैटरी ओके है। अदरवाइज बैटरी का वोल्टेज 12 के ऊपर रहेगा, ग्रेविटी नहीं रहेगी, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज है। प्रॉपरली ग्रेविटी चार्ज करना होगा, अदरवाइज बैटरी भी खराब है। चार्जिंग के बाद भी ग्रेविटी नहीं आ रही, इसका मतलब बैटरी खराब है। अभी इस बैटरी का हम चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बैटरी डाउन भी है, ये बैटरी हमने चार्जिंग किए थे, चार्जिंग करने के बाद भी बैटरी डाउन हो गई, मतलब बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है, मतलब बैटरी ख़राब है। काफ़ी देर रात भर चार्जिंग करने के बाद में, 8 से 10 घंटा चार्जिंग करने के बाद भी इसकी ग्रेविटी नहीं आई, वोल्टेज बढ़ने के बाद वोल्टेज डाउन हो गया, मतलब ये बैटरी ख़राब है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें आपको जानना है कि बैटरी चार्ज होने के बाद भी, ये देख सकते हैं इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, 1200 के ऊपर में इसकी ग्रेविटी अच्छी है, एक सेल की ग्रेविटी ख़राब है। इसी तरीके से इसकी कुछ सेल की ग्रेविटी ख़राब है, और मतलब ग्रेविटी कम है, कुछ सेल की ग्रेविटी अच्छी है, मतलब बैटरी ख़राब है। हर एक सेल की ग्रेविटी आपको अच्छी चाहिए। तो बैटरी को पहले चार्ज करके देखें, चार्जिंग करने के बाद ग्रेविटी आपको चेक करना है, ग्रेविटी भी बराबर है तो बैटरी ओके है। अदरवाइज बैटरी चार्जिंग होने के बाद भी ग्रेविटी अगर कम है तो इसका मतलब बैटरी ख़राब है। इस तरीके से चेक किया जाता है कि बैटरी आपकी अच्छी है या नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको बैटरी चेक करना है, बैटरी की ग्रेविटी, बैटरी ख़राब है, बैटरी ओके है। और कोई यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैनल में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।